कंझावला कांड की जांच तेज, पुलिस और एफएसएल की टीम ने सुल्तानपुरी थाने में किया रिक्रिएशन। अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च। आज सभी आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी। हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अतिक्रमण हटाने के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे के 78 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने का दिया था आदेश। जोशीमठ के घरों को बचाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की मुहिम जारी। लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन, मशाल जलाकर सड़कों पर उतरे लोग। 561 घरों में दरारें आई, जांच करेगी एक्सपर्ट टीम। दो होटल बंद। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप। दिल्ली के लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स डिले। उत्तर रेलवे की 12 ट्रेनें हुई लेट। अहमदाबाद में पठान फिल्म के प्रमोशन के दौरान हंगामा। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मॉल में किया बवाल। शाहरुख खान के पोस्टर फाड़े। फिल्म रिलीज होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। निवेशकों को साधने के लिए आज मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। उद्योगपतियों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों से करेंगे मुलाकात। सिद्धि विनायक और महालक्ष्मी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना।